हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बॉलिंग करते वक्त मैच में इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कभी भी अच्छे बॉलर नहीं बन पाएंगे। मैंने एक मैच का अपना स्पेल रिकॉर्ड करके डाला है, इसमें लाइव एग्जांपल दिया है कैसे आप मैच में, अगर आपके सामने अच्छा बैट्समैन है तो आप कौन सी लाइन रखेंगे और कैसे बैट्समैन के माइंड सेट के साथ आप खेल सकते हैं। क्योंकि बॉलर कभी भी वो नहीं होता जो तेज बॉल डालता है, बॉलर हमेशा अच्छा वो होता है जो बैट्समैन के माइंड सेट के साथ खेलता है। तो देख, इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कैसे आप अच्छे बैट्समैन को टाइट लाइन पर बॉल डालकर उसको शांत रख सकते हैं और कैसे आप उसको वेरिएशन के साथ बॉल डालकर उसके माइंडसेट के साथ खेल सकते हैं। तो आपने पहली बॉल देखी होगी कि मैंने पहली बॉल बैट्समैन को स्लोर में रखी क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि वो मेरी बॉल को आगे से खेले, इसलिए मैंने उसको पहले ही बैकफुट पे डाल दिया स्लोर में डालकर, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे मैंने ज़्यादातर बॉल ऑफ स्टंप की लाइन पर रखी है और जैसे कि मैं लेफ्ट आर्म बॉलर हूँ, मेरी ज़्यादातर बॉल लेग से ऑफ होती है, तो मैं कोशिश कर रहा था कि अपने एंगल के साथ बॉल डालूं। और आप देखेंगे इस मैच में मैंने ज़्यादातर बॉल शॉर्ट रनअप से डाला है क्योंकि फर्स्ट स्लॉट में हमेशा आउटफील्ड जो रहता है वो वेट रहता है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि भाई गिर जाऊँ वहाँ पर, तो इसलिए शॉर्ट रनअप के साथ मैंने टाइट लाइन में बॉल डाली। ये जो बैट्समैन अभी खेल रहे हैं ये काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, अगर इनको आप थोड़ी सी भी ओवर पिच बॉल देंगे तो ये इसलिए आपको छक्का मार सकते हैं। आप देखोगे कि मैंने काफ़ी सारी बॉल बीट करवाई हैं और ज़्यादातर बॉल ऑफ स्टंप के एरियाज में ही रखी है और कोशिश ये करा है कि लेंथ थोड़ी पीछे रखूँ, अगर आगे रखूँगा तो वो लेंथ का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप कभी भी मैच में अगर बॉल डालते हैं तो ट्राई करिए कि ओवर पिच जगह से थोड़ा सा पीछे लाइन रखें और ऑफ स्टंप की तरफ बॉल रखें। अगर आपकी बॉल में स्पीड है और अगर आप ये सेम लाइन रखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे मैचेस में। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।